हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने विंडोज़ पीसी में फ्री वीपीएन को सेटअप करेंगे। इसके लिए हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करेंगे। तो बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के यूज़ किए बिना विंडो में कैसे फ्री वीपीएन को हम सेटअप करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी में सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सेटिंग को हमने ओपन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए वीपीएन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए वीपीएन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वीपीएन कनेक्शन, और उसके राइट साइड में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड वीपीएन, तो इस बटन पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ऐड वीपीएन कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें अपने जो वीपीएन ऐड करना है उसका यहाँ पे डिटेल हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है वीपीएन प्रोवाइडर, तो यहाँ पे विंडोज़ इनबिल्ट है, इसमें कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसको यही रहने देना है। और दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि कनेक्शन नेम, अब यहाँ पे आपको अपने वीपीएन का नाम क्या रखना है वो इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ माई फ्री वीपीएन, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्वर नेम और एड्रेस, अब आपको सर्वर नेम या एड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमें गूगल में सर्च करना है वीपीएन गेट। यहाँ पे हम सर्च करेंगे वीपीएन गेट, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला वेबसाइट आपको मिलेगा उसको हमें ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 6047 पब्लिक वीपीएन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इनमें से आपको ये देखना है कि किस कंट्री का आपको वीपीएन लेना है। तो यहाँ पे देखिए यूएसए का यहाँ पे दिख रहा है और जापान का भी है, तो अलग अलग कंट्री का यहाँ पे वीपीएन मिल जाएगा। तो उसमें भी आपको एक मेन चीज़ नोट करना है कि यहाँ पे आपको देखिए पिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो इसमें पिंग 5 है, लेकिन और अगर नीचे जाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। और यहाँ देखिए 9 है, 5 है, और यहाँ पे देखिए नीचे 12 भी है, तो ये जापान का है, तो इसमें ज़्यादा है। तो हमें सबसे कम जिसका पिंग हो उसी को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसमें 5 है, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूएस का है, और आपको ये कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वीपीएन टाइप का, इसमें आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिल जाएगा एसएसटीपी, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे साइनिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको साइनिंग करना है। तो इसके लिए आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड ये रहने देना है। अब उसके नीचे आपको यूजर नेम और पासवर्ड का फील्ड मिल जाएगा जो कि ऑप्शनल है, बट हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें वापस से इसी साइट पे जाना है, और यहाँ पे देखिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, तो दोनों में यहाँ पे वीपीएन है। अब इसे हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है, तो दोनों में स्मॉल लेटर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में जैसा होगा वही आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे वीपीएन ऐड कर लेते हैं, यूजर नेम में, पासवर्ड में भी हम सेम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव का बटन इनेबल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके सेव के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे हमारा देखिए माई फ्री वीपीएन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नॉट कनेक्टेड, तो इसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको कनेक्ट का बटन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग हो रहा है, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड दिखा रहा है, और इसके सामने डिसकनेक्ट का मतलब कि ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वाईफाई का, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ भी माई फ्री वीपीएन का बटन, यहाँ पे आपका जो वीपीएन होगा वो दिख जाएगा। और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी वीपीएन आपने ऐड किया है, अलग अलग कंट्री के अगर वीपीएन आपने एक से ज़्यादा ऐड किया है, तो वो सारे आपको यहीं पर दिखेंगे। तो यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डिसकनेक्ट हो गया, अब वापस से कनेक्ट करना है तो यहीं से हम कनेक्ट कर लेंगे। जैसे आप अपने इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं वाईफाई को, उसी तरीके से ये भी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने विंडोज़ पीसी में फ्री वीपीएन को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।